अजीत भाई गाना बजाना। बड़ा बढ़िया है, बातों को हत रहा बात हरी बात कहता ये हरी हेडमास्टर भाई भाई कवन बात के नीमन बात के ना इजाजत है तो कबूल है ये है चीज के इनका लोग से वर्णन सुनी हे कर तक खूब विश्लेषण करी। हे महाराज का चैत के महीना पवित्र महीना है। चैत में भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अवतार भई चैत पवित्र हो गई। चैत में नवरात्र पर जाला पवित्र हो गई। आज चैत में हमनी के ही चैत में नवरात्र के बीच में हमनी के हिंदू के महान पर्व छठ पर जाला। तीन गो चैत के महीना आध्यात्मिक प्रकृतिक ये तीनों बेधेला विचार करी। लेकिन का पहले तनी मनी अध्यात्म बदू लाइन रे भाई आतना तू टाइम घिंचो तर आतना तो पहले उठे के माल गेरु टाइम ना घिंचो जतना तुम माल टाइम घिंचो दे तर अब बोली बोलो तर का दो हम तीन भाई रानी हैं रामा शंकर डरामा शंकर ई है इनका फिर बा तार जवाब हमर फिर बा तार जवाब हमर फिर बा रखल बन तारे कहते लेकिन आध्यात्मिक रस बताई विचार करी। चैत्र महीना पवित्र हो गई भगवान पुरुषोत्तम राम के अवतार से। भादु पवित्र हो गई भगवान श्री कृष्ण के अवतार से। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक के बूट के दू गो डाल हो। लेकिन लोग के दृष्टि से देखो तो राम जी के जन्म जन्म परमात्मा के ना होला अवतार होला। लेकिन हम नहीं कही लगे कि राम जन्म कृष्ण जन्म क्या कि जन्म थोड़ा भलवा भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी ना जन्म थोड़े ले ले चतुर्भुज रूप में आई रहे हा माई के वचन सुन करके सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरूप। तब विचार करी तनी तनी मनी में भाव लागी विचार करी गोस्वामी जी चौपाई में लिखनी मानस के भीतर कि परमात्मा के अवतार कब होला तकाल करी तनी मनी में बबुआ बाबा रहा। अब उनकर पचहरिया बोलते रहे तो तू व्यास के मत बोले लगा अब झलवा के औकात में के ब्यास के बोले थे माता के में ही कुल्ला चले 300 पेमेंट में ब्यास के लोग बोले चौकीदार हो के एसपी से नानू मीटिंग करबो अब जो तारो स्तर बात वही जे रहलो औकात देख अब कुल पगला गेल बेसो तो करी चल तो तू अब हम उनका लोग के जवाब दी तो फिर उनका में हमारा में कोनो अंतर ना रहो ऐसे तनी गौर करो बबुला गोस्वामी जी लिखा तनिकार ईश्वर के अवतार को भोला मानस में गोस्वामी जी लिख देनी कि जब जब हो रही जुगे जुगे तो ये आध्यात्मिक बात है। अब क्या करा खाती भगवान आवे ले गोस्वामी जी हो लिख देनी कि सब खाती ना विप्र धेन सुर संत हित लिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपा। ऐसे गोस्वामी जी हो लिख देले कि राम जन्म के एगो कारण ना हो राम जन्म पर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। तब अब देखी ये आध्यात्मिक बात भई भई अब तनी प्रकृतिक में चली चैत के महीना में प्रकृति का होला
बबुआ पुरान पतई झड़ जाला नया पतई ले लेला अन्य हमनी की हम पाकी जाले ही चैत के महीना में नया नया अन्न घरे आवेला अन्न नया होला आ तोनो नया हो जाए देह के चमरी छोड़ के नया चामे आ जाला शरीर पे अनो नया होला आ तोनो नया होला ई प्रकृति देखी हमनी की यहाँ बसंत ई चैत के महीना बसंत ऋतु हवे ऋतुओं के राजा बसंत है तो बसंत और संत में क्या विशेषता है क्या हमारे भारत में जब बसंत आते हैं तो प्रकृति मुस्कुराती है और जब हमारे देश में संत आते हैं तो हमारी संस्कृति मुस्कुराती है ये विशेषता है संत में अब संत में अब देखे आई बीरह में अब तनी बीरह में आई मरद मेहरारू इकट्ठा रही है दिन भर गर्मी लागी मिजाज औंजाई रही पसेनाई रही सांझ के खाना पीना खा के रात में मरद मेहरारू एक के बिछावना पर सोती लोग घर में ना बधार में बौरा कह के मर्द मेहरारू एक के बिछावना पर सोती लोग लेकिन 36 के आंकड़ा बना के मरद के मुंह ने तो मेहरारू के मुंह ने बुझाई कि चिन्ह पर्ची ना है इनका लोग इनका लोग में चिन्ह पर्ची ना मर्द मेहरारू इकट्ठा ना रही तो चलो वो बहारी बहारी चले वो मर्द मेहरारू एक ठंडा रही लोग अलगे 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 घुस का घुस की शुरू हुई कब 12 बजे रात के बाद जब जाड़ लागी सिहरौनी लागी तब घुस का घुस की 12:30 भई एक बजे हटी ना 1:30 बजे रुकी ना 2:30 से 3 बजे बजे मर्द में ज्यादा रोह नहीं लोग तो बुझाई बना करी के तरफ ही तर दू आदमी बा बुझाई के एक आदमी सुतल बा चादर घिचब तो बूल से दू आदमी निकल कर तब बुझाई के में दू आदमी रहला ये काठी का विशेषता हो काठी के चैत महीना की चैत के जाड़ हार में लागे लखो भोरहरिया में पुरनिया लोग कल के यही चैत के महीना में पंडित जी बाछी बेच के कमर किन ले आतना ना जाड़ लागो तो चैत के विशेषता हो अब तनी सुनी बीरह कैसन चीज हो मर्द प्रदेश वाले घर में घर में बड़ी तो उनका बड़ी दुख हो आई अब देखियो है मेहरारू बीरह में कहा तरीका कि महल बना के गई बड़ पलंग पर डल्लब के गादा पीछा के गई बड़ तारा बिना ये राजा जी डल्लब के गादा पर सुते जाता नहीं तो हमारा गुलगुल लागता गुलगुल गादा रेवनी के काटोस चुभ चुभ गड़ता मौगी को हतिया का बबुआ कि महला जहला सही जवानी सत्या ना सहे बना मौगी कहती है कि छेना नून छा खटरस से निमाना उपासे पलामुआ वह तरीका कि लिखा हो शिकारी सारी अरे खड़ के
द्वैत में नहीं आई बात तो हे संजय बाबा राम शंकर करादिगिरी हे बासे चैत के महीना में ना आईबो दूसरे नु गिरी बास करी अब गिरी बास करी गिरह बास करी मौगी कहती अब मरद के मेहरारू बुलावली सुननी है नु एगो खीसा कहले हमर बियाह भइल नु मौगी के लगत नहीं है बैठो बैठ जा बैठ तनी के खीसा के जवाब हम दे दे ना खीसा के का जवाब दे दे कहतर की मौगी के लगे गइले नु तो सोचले कि रोज भोजपुरी हिंदी गावते बोलते बानी हमरा उर्दू में मौगी ले बतियाई हमरा संजय बाबा पुरस्कार देले बानी आशीर्वाद स्वरूप बार बार प्रणाम नमस्कार जय जयकार आशीर्वाद के चाहना बा तो कह दो हम मौगी से जाके कहनी की इजाजत है तब मौगी कलश की नैहर के लोग के मने ना कही नहीं तो तू तो हमार भतारे हो कबूल है ना हमारा से साल भर बाद दिन कर भी आप हैं जन्नी यो जब अपने मौगी के लगे सुहाग रात में गई ले लूं तो रुपया का माते रोले है नियम नू हम मौगी के मुंह दिखाई देवे के जान जाए कि घूंटा मौगी की रात का बैठा रहे इले जाके घूंटवा के लगे 500 के नोट निकाल के हम मौगी के दिखावो तरे कि घूंटा उठावे दो 500 रुपया ले बू कि और बढ़ावे के पड़ जाए मैंने घूंटा उठावे खाती 500 तो मान जाइबो कि और बढ़ा के रुपया देवे के पड़ी मौगी टपा के घूंटा फेंक देलस फेंक देलस कलश की आई है राजा जी तू कतना निमन बाड़ा घूंटा उठावे खाती 500 रुपया के नोट दिखा देल नहीं हरवा में नतिया 20 रुपया पर लहना उठा देत रहल अरे ते हूं ही में कहवे कारे मौगी कहला सिन करत ने ना हे संजय बाबा कहला कि तू एगो भातार कैसन बाड़ हां कि कतना सुंदर पलंग बा गुलगुल बिछावना बा फूल काटल बेडशीट बा कतना निमन व्यवस्था रखल बा आ नई हरवा में नतिया गम छिए पकुल व्यवस्था रहत तारो कतना कहा व्यवस्था मिलत रहल हाँ, 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 जीत भाई कुछ निमन कहले ओकर जवाब हमरा देव में मजा आई लेकिन तू फुहर बात बोलत अब तारे चलते हमरो फुहर होके के पड़त जान लो ना तो धुरान के कहले कि जे जैसे कहेला वैसे कहे के पड़ेला जे जैसे रहेला वैसे रहे के पड़ेला भाई के माने चाहे मत माने लगहर गाय के लातो सहे के पड़ेला तो विचार करी लगहर के नु सहल जाई बहिला के सहल जाई विचार करी बबुआ तो तनी देखी मेहरारू मरद के बोलावली मरद आ गई मर्द मेहरारू एक कठे घर में सुतल वाली भाव में भाव में बिना भाव के भोजन निक ना लगे पति पत्नी सुतल वाली आ तोले भोर हरिया हो जाता खींचा खींचा रब शंकर भाई बोल गाना खींचा ना उठब लोग भोर हो गई उठ सर मर्द बिहान भइल कह हली कहले बड़ल मर्द देख नहीं जब भाई लेता दोनों अगुआई बने चल सहस वाले चल सर मर्द एक पांच कट्ठा कटाई रे तोरे ओय छिता ना उठबू छिता के दिन हो उठबू के छितार के सुतबू हाथन के बइल हाथन लेटले सुतबू मम्मी ले बिगड़ जाई हां उठ बोला बोलवा सुन तारू हाय 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 का हिंदी फिल्म के गीत मगुआ का मसूरी चाना हाय मटर के दाना तीसी दलहन काले गाना अजीत भाई हमर बात मान घर बिगड़ जाई काले बटवारा हो जाई हम तार हाथ जोड़ते नहीं तू खाली खेत में चलो तारा से मेहनत ना करवाई मसूरी चाना मटर के दाना तीसी दलहन काले गाना तू कब जब रही ढेर मेहनत करवाई तारा खाली का कर
उठी आई हाँ वही जे बेद हो भरत धाके उठी आई हाँ वही जे बेद हो भरत धाके उठी आई हाँ वही जे बेद हो भरत धाके उठी आई हाँ वही जे बेद हो चूड़िया चुनरिया बोले ले चुनरिया के अलोता कोई लरिया बोले ले उठी आई हवाई जे बेद हो